आपा आपा रीबा क्या कर रही हो? मामा ने मेरे लिए बार्बी डॉल लाई और मुझे से छुपा के रख दी। जिंदगी में कैसे कैसे वक्त आ जाते हैं कि अपने भी शब्द खून मारने लगते हैं। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर जरूरत ही थी तो मुझसे पैसे मांग लेती। जिंदगी के आखिरी दिनों में आखिर कितनी हकीकतें खुलेंगी? हर रिश्ता एतबार खुलता जा रहा है, मगर फिर आपा ने इन पैसों का क्या किया? आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी? मैं किसके हाथों में अपना लहू तलाश करूं? अरे मामू, ये तो अम्मी के पैसे हैं। अम्मी के? और क्या, अम्मी ने मुझे बार्बी डॉल भी खिलाई है, हमने तो बाहर खाना भी खाया था। कब? पापा और पप्पा को गिफ्ट देने गए थे उस दिन। हम लोगों ने तो बहुत सारी शॉपिंग भी की थी। अच्छा, कैसी तबीयत है बेटा? बेहतर हूँ काफी। सफिया को देखती हूँ तो कलेजा मुंह को आता है। किस तरह उसके ससुराल वालों ने बेटी समेत उसे निकाल दिया, लेकिन अब एक रास्ता मुझे समझ आ गया। वो क्या? मैंने फैसला किया कि तुम्हारी और अफशां की शादी कर दी जाए। क्या अम्मी, क्या हो गया आपको? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? चाहे तुम इसे मेरा पागलपन समझो, मुझसे सफिया और अरीबा की बर्बादी नहीं देखी जाती। मगर मैं शादीशुदा हूँ अम्मी। सबको मालूम है तुम शादीशुदा हो, खैर से एक बच्चे के बाप बनने वाले हो, लेकिन फिर भी। मगर आप फिर भी मेरी शादी करना चाहती हैं? लेकिन अम्मी, भाभी पर जुल्म है। भाभी की खैरख्वाह बनने की जरूरत नहीं है, समझ आ गई तुम्हें? लेकिन ये मेरा अटल फैसला है। शाबाश अफशा को, जो सब कुछ जानते हुए सौतन को कबूल कर रही है। यूं समझो कि कुदरत ने मौका दिया है अफशा का दिल नरम करके सफिया का घर बसाने का। अरे पागल है अम्मी वो तो। पागल वो नहीं है, उसका जज्बा काबिले कदर है। भाई के घर की खातिर कुर्बानी दे रही है। और एक तुम अपने आप को देखो, उस कंगली अमीरजादी के पीछे जो इस घर पर सबसे बड़ा बोझ है। तुम्हें बहन और भांजी की जरा फिक्र नहीं है। अम्मी, मेरी परेशानी आपको नजर नहीं आ रही? कितने जालिम हो गए। अरे भांजी के लिए तो ननियाल वाले अपना कलेजा तक निकाल कर दे देते हैं। प्लीज अम्मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं है। क्या हो गया है ज़ीशान तुम्हें? अगर सफिया उजड़ गई तो कल को कैसे उसकी बेटी का घर बसेगा? कौन एक तलाक याफ्ता औरत की बेटी को ब्याहेगा? तुम मरियम को राजी करो, वरना मुझे और भी तरीके आते।
दिमाग खराब हो गया अम्मी की बात सुनकर। भाई और अफशान की शादी की तैयारियां कर रही हैं। मुझे भी अभी पता चला। लेकिन अम्मी को आखिर क्या सूझी? ये तो बिल्कुल गलत फैसला है, इससे तो बल्कि और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी। बस फैसले वक्त की धूल साबित होते हैं। मगर ये तो खुदगर्जी की इंतहा है। मुझे ज़ीशान पे पूरा यकीन है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा मेरे साथ। भाभी आप खुद को अकेला मत समझें, मैं आपका साथ दूंगी। अब समझ आ रहा है मुझे कि आप ही क्यों आपके साथ इतनी हमदर्दी कर रही थी। और मैं समझ ही नहीं सकी कि आप भी मेरे खिलाफ साजिश कर रही थी। शुक्र करें कि ये बात हमें बरवक्त पता चल गई, आप भी की ये शुक्र कोटेड मोहब्बत बेनकाब हो गई। हेलो, बड़े दिनों के बाद कॉल की। बस अपना और बिलाल का मेडिकल चेकअप कराने में बिजी थी। रिपोर्ट्स कब तक आएंगे? रिपोर्ट्स तो आज तैयार हो जाएंगी, मगर उनको बदलवाने में एक दिन लगेगा। बेस्ट ऑफ लक। हाँ, किस्मत का सितारा उरूज पर समझो। और सोचो कि जब बिलाल को ये पता चलेगा कि वो बाप बनने के लायक नहीं है, उस पर क्या बीतेगी। अंधेर मचा रखा है इन मर्दों ने, हमेशा ही डोमिनेट करते हैं। मगर मैं एक मिसाल कायम करूंगी, बीइंग अ डोमिनेटिंग लेडी, मैं बिलाल को अपने प्रेशर में ले लूंगी। औरतें अगर तुम्हारी तरह सोचने लग जाए ना, तो उन पर लगा ये मजलूमियत का ठप्पा ही मिट जाए। बिलाल का तो मैं दावा करती हूँ कि अब वो सारी उम्र मेरे सामने सर नहीं उठाएगा। अरे भाई राहिला, कहाँ रह गई? भाई मैं अनस को आइसक्रीम खिलाने ले जा रहा हूँ। ये कौन है? ये मेरे हस्बैंड के दोस्त। मगर ये आवाज तो उनके काफी करीबी दोस्त है ना। चलो खैर, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि अब तुम देखना मैं बिलाल को कैसे उंगलियों पर ना चाहती हूँ। और ये सब कुछ जो हो रहा है, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। थैंक यू। मैं तुम्हें एक कामयाब औरत के तौर पर देखना चाहती हूँ। ओके बाय। और ये 735 वाले जो पीस थे ना, वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे। प्लीज इस तरह के काम मुझे मत भेजा कर यार, मैंने पहले भी तुझे मना किया है। अच्छा मैं तुझे कॉल, अरे कर रहा हूँ, दे दूंगा ऑर्डर, कर रहा हूँ। सफिया तुम बैठो। मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? ऐसी खबर लाई हो ना, दुआएं दोगे? बददुआएं तो तुम्हारा भाई हम सबकी देना। मेरी बहन की जिंदगी को मजाक बना के छोड़ दिया सुनसान। अरे ख्याल से, मेरा भाई है ऐसा वैसा नहीं है। क्यों भाई, तुम्हारा भाई को सदर बन गया इस मुल्क का कि उसकी इज्जत करता फिरूं? सदर की करो या ना करो, ज़ीशान की तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो सिर्फ तुम्हारा साला नहीं, तुम्हारा होने वाला बहनोई और अफशान के होने वाला शौहर है। अरे अरे क्या कर रही हो तुम, कोई देख लेगा यहाँ पर। खैर छोड़ो, तो मान गई तुम्हारी चहेती भाभी ज़ीशान और अफशान की शादी के लिए? अरे उसको छोड़ो, उसको तो ऐसी लगाम बांधी है कि वो निकाह के दिन ना अपने हाथ से छुहारे बांट रही होगी। यकीन तो नहीं आता, मगर सफिया बेगम तुमसे कोई भेद नहीं, तुम कुछ भी कर सकती हो। यकीन करो ना करो, बस अब तुम अफशां की रुखसती और मेरे इस्तकबाल का इंतजाम करो। ऐसा हो गया ना तो रानी बना के रखूंगा तुम। सुनो, वो जो हमारे कमरे का एसी है ना, वो एक टन वाला हटा के दो टन वाला लगा दे। ठीक है।
ہلو اخلاق صاحب جی, میں نے آپ کے بندے کو پیسے دے دیا ہے, آپ دیکھ لیجیے گا. تھینک یو. بلال آج تم جلدی آفس چلے گئے؟ ہاں کوئی ضروری کام تھا. اچھا وہ لیبورٹری سے فون آیا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ اپنی رپورٹ جلدی کر لے کر لیں. ہاں ٹھیک ہے لے لوں گا. اور ہاں ڈاکٹر سے رپورٹ دکھانے کے لیے اپوائنٹمنٹ بھی لے لینا. اوکے. بلال تم اندازہ نہیں کر سکتے ہو میں اپنی فیملی کو بڑھانے کے لیے کتنی ایکسائٹیڈ ہو رہی ہوں. چلو دیر سے ہی صحیح, شکر ہے تم نے میری طرح سوچنا تو شروع کیا. بائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال صاحب آپ کی مسز کی رپورٹ تو نارمل ہے مگر. مگر کیا؟ وہ آپ کی رپورٹ ڈاؤٹ فل ہے. What? That's impossible. آپ کی رپورٹ کے مطابق آپ آب بننے کے لائق نہیں ہیں. What? This is impossible. I'm 100% perfect. ارے میرا تو ہاں ہماری رپورٹ پرفیکٹ ہوتی ہے, آپ اس سے کہیں بھی جا کے چیلنج کر سکتے ہیں. رپورٹ بنانے میں کوئی مسٹیک بھی تو ہو سکتی ہے؟ ایسا ہونا ناممکن ہے. ہم اپنی ڈیوٹی بڑی ایمانداری سے نبھاتے ہیں اور ہماری ہر بڑے شہر میں برانچز ہیں. پلیز اپنی لیب کے قصیدے مت پڑھیے میرے آگے, مجھے آپ کی برانچز میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں آپ کی فیلنگ کو بہتر سمجھ سکتا ہوں, میری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے. Thank you. بڑھیا ہے برانچز والے. میرا تو بیٹا ہے, how is it possible کہ میں باپ نہیں بن سکتا؟ کہیں ایسا تو نہیں میرے نام سے کسی اور آدمی کی رپورٹ غلطی سے مجھے دے دی گئی ہو؟ زندگی لمحوں میں کتنی بدل جاتی ہے. رپورٹس آنے سے پہلے میری کیا فیلنگس تھی اور رپورٹس آنے کے بعد خود پر سے اعتبار ہی اٹھ گیا ہے. ان رپورٹس کو چھپا دوں؟ کوئی فائدہ نہیں, حقیقت چھپائے نہیں چھپتی. شہر کا کروڑ پتی بزنس مین بلال شیخ کتنی بڑی شکست کھا گیا.